A very good morning, friends. Wedding hall. कितनी तेज आवाज आई ना घर पे? शायद कानों में ये गोल्ड की सुतली होती है। खोल के देखती हूँ। पहले मैं किचन साफ करूंगी और उसकी शुरुआत होगी हिट से। तो हम निकल चुके हैं देहरादून से गुरुग्राम की तरफ और ये अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:28। बाहर पूरा अंधेरा है और सानवी प्रिशा मेरे पास है। हेलो, पहले मैं आपको हेलो कर दूंगी ताकि 4 बजे देख। हाँ, देख नहीं सकते ना, इसलिए तो मैंने कैमरा इस साइड को किया है। लाइट चला के दिखाती हूँ। सानवी गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, यहाँ देखो सानवी। गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग प्रिशा। गुड मॉर्निंग प्रिशा। तो पैक हो रखी है पूरी। तो मायके और ससुराल की जर्नी हो गई है पूरी। और आपको बता दूं कि इस बार जो है सानवी को दवाई पिला के लाए हैं उल्टी की। जैसा आपने देखा होगा हमारा जर्नी का ब्लॉग स्टार्टिंग का, सानवी ने बहुत ज्यादा उल्टी की थी, तो इस बार हम पहले ही अलर्ट हो गए थे। रेड और गोल सा सन दिख रहा है आपको। हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर बाईपास। सानवी को जुकाम हो गया बहुत ज्यादा। सुबह आपको नोजी आ रही है बार बार ना? नोजी आ रही है सानवी की। पंडित ढाबा कितनी तेज आवाज आई ना घर फटने की? ऐसे लग रहा था कोई पटाखा फट रहा है। हाँ, ये ना रजनीगंधा। बड़ी तेज काट रहे हैं प्याज देखो, और कितने बारीक प्याज काट रहे हैं ना। बोले है मौत की जगह यहाँ पे बात नहीं लगा यार। अरे वो कैसे गाने सुन रहे? हर कोई लगा है कुछ ना कुछ काम करने में। प्रिशा की स्कूल आने वाली है। यहाँ पे मैं बोलूंगा ना, आप इस तरह मम्मी दिखाएगी आपको। ठीक है, आप खड़े जाना, मैं दिखाऊंगी माँ। प्रिशा का स्कूल आपको याद है? प्रिशा प्रिशा का ये आ गया रेडियो ड्राइव। रेडियो ड्राइव देखने यहाँ पे आप गोला के समोसे खाया करते थे, याद है? वो पहले यहाँ रहा सेंट जेवियर स्कूल। प्रिशा याद है आपको जब आपने क्या किया था? वाटर में डांस भी किया था और स्विम किया था, याद है? अपनो घर, यही तो अपनो घर। मम्मी अपनो घर कहाँ है? ये रहा अपनो घर। हम अपनो घर आ गए, अपनो घर, अपने घर आ गए हम, और अपनो घर भी आ गया। यहाँ पे छोटा सा एक वाटर पार्क है और अम्यूजमेंट पार्क है बच्चों का, काफी अच्छा। तो काफी पहले घर पहुंच गए थे, अभी आपसे मिल रही हूँ। हम लोग पहुंच गए थे तकरीबन 11 बजे करीब, हम लोग पहुंच गए थे घर से। आलू के गुटके और पूरी लेके आए थे, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और आशा कर रही है अभी ब्रेकफास्ट। रास्ते में जाम नहीं था, तो रास्ते में जाम वाम नहीं मिलता है तो बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो सुबह 4 बजे के निकले हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 11 बजे घर। और अभी डस्टिंग वगैरह कर रही थी मैं, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किया, मैंने कहा गंदे हैं कपड़े तो चलो इन्हीं में डस्टिंग कर देती हूँ। डस्टिंग की है अभी और बस घर से मिठाई लेके आए हैं, सोन पापड़ी और ये गजक। जैसे सर्दियाँ आ रही है तो सर्दी सभी को मूंगफली गजक रेवड़ी पसंद आती है, तो लेके आई थी। तो घर पहुँचते ही रिलैक्स मिलता है और हस्बैंड तो आते ही बस सामान वामान लिया। ये देखिए बहुत सारा सामान है अभी तो घर से लाए थे, तो वो नहा चुके थे। फिर ब्रेकफास्ट किया, मैंने चाय बनाई और अभी मुझे नहाना है, तो फिर बस अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, कहीं से घूम के आओ फिर घर आओ। तो घर भी बड़ा नया नया सा रहता है, हर चीज को वो लोग बच्चे देखने लगते हैं कि क्या है क्या है। सानवी बड़ा गौर से हर चीज को देख रही थी कि घर में क्या क्या है, ये मेरी चीज है ये, तो उनको याद आता है बच्चों को, तो बच्चे देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। फिर आपको कुछ कहना है? मैं बस ये कहना जा रही हूँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अच्छा अच्छा, बताओ आपके कान छिद गए ना, तो आपके कैसे लग रहे हैं आपको? तो प्रिशा के कानों में ये गोल्ड की सुतली होती है, सुतली बोलते हैं हमारे यहाँ सूत, ये डाली है और इसमें ब्लैक कलर की और रेड कलर की मोती डाली है। कहते हैं कि अगर कान पक रहा है तो प्रिशा ये मत खाना, देखो ये
अचार नहीं खाना है, ठीक है। बोरो प्लस को हल्का सा गर्म करके इसको लगाओ, और साथ ही क्या प्रेशर खट्टा खाने के लिए, खट्टा खाने के लिए मना किया है, चने की दाल खाने के लिए, राजमा की दाल, मीठी मीठी, हाँ मीठी मीठी चीजें, राजमा और चने की दाल खाने के लिए भी मना किया है, चटपटी चीज भी नहीं, हाँ चटपटी चीजें भी नहीं खानी है ना। तो एक हफ्ते तक प्रेशर को थोड़ा सा प्रिकॉशन ले। और हाँ ये भी कहा जाता है, पता नहीं ऐसा बोलते हैं, वैसे तो साइंटिफिकली भी प्रूव है कि सुबह सुबह का जो बासी थूक होता है हमारा, मुंह का लार होती है, उसको भी लगा सकते हो आप अपने कानों में, ऐसे निकाल के कानों में लगा दे तो कान नहीं पकते हैं, या फिर पके हुए तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। तो दिन में सो गए थे और अब मैं सामान निकाल रही हूँ, जो थोड़ा बहुत मायके और ससुराल से लेके आई थी, और अपना भी सामान जो है उसको निकाल रही हूँ। काफी ज्यादा थक गए थे, सुबह की नींद पूरी कर रहे थे, सुबह 4 बजे निकल चुके थे वहां से। सासी कैंटीन गए थे तो कुछ सामान लाए थे वहां से, वो भी मैं रख रही हूँ। स्टेप की चिमटीज मिली थी स्टील की, पहली तो हाई राइजेस में चिमटियों का बड़ा काम है, इसलिए चिमटियां थी तो सही, लेकिन पता नहीं सानवी कहाँ कहाँ गिरा देती है। कुछ किलो है तो जैसे मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने ऑनलाइन मंगाया, और ये देखिए ये मैं घर से लेके आई हूँ, घर पे तो ऐसे ही मिल जाता है। बेल वगैरह लगी रहती है तो बेल से ही मम्मी ने निकाल के दिया ये तो। और ये तुलसी के बीज है, सोयाबीन की दाल है, पहाड़ों में कंडाली मिलती है, बिच्छू घास कहते हैं उसे। ये हम चाय लाए हैं जो कि पहाड़ों में एक बिच्छू घास होती है, या उसे कंडाली भी बोलते हैं, तो उसकी बनी हुई ग्रीन टी है, तो इसको हम लेके आए हैं और हम इसको पी के देखेंगे। तो इसके काफी बेनिफिट्स हैं, काफी चीजों में सहायक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल घटाने में, शुगर को कंट्रोल करने में, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो चलिए देखते हैं कितना हमें इससे फायदा मिलता है। इसमें साथ में हम लोग तुलसी के जो बीज लाए हुए हैं वो भी ऐड कर देंगे ताकि टेस्ट जो है इसका और बढ़ सके। अभी इन दोनों बैग्स को अनपैक करना है मुझे, और ये मम्मी ने मुझे दिया था, एक नीचे जमीन में बिछाने वाला और इसके अंदर ये मैंने पैक किया है। एक बेडशीट है उसके साथ के पिलो कवर है, और ये रजाई का कवर है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये बिछाने का बहुत सुंदर लगा तो मैंने मम्मी को बोला ये मैं ले जा रही हूँ, तो वैसे मम्मी ने मेरे लिए रखा था। सानू का चौन प्रेस। मम्मी ने ना प्रशा के कान पे हाथ लगा दिया। क्या बना है ये रोबोट? दिखाओ। ओ मैंने आपका रोबोट तोड़ दिया। कोई बात नहीं, बड़ी आसानी से फिक्स हो जाता है। फिक्स करो। थोड़ी सी देर है इसमें सिर्फ। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बनाया, किसी की भी हेल्प नहीं ली मैंने। किसी की भी हेल्प नहीं ली आपने? खुद बनाया। इतना अच्छा मुझे भी सिखा दो बनाना, ये कैसे बनाते हो? आसानू क्या बना रहा है? सानू आपने क्या बनाया? मैंने ट्रेन बनाया आपने, वेरी गुड सानू। और पिशा आपने क्या बनाया जरा दिखाओ। वाह, ये कहाँ से आपने देख के बनाया? इसमें से देख के? किसमें से देख के बनाया? अरे वाह दिखाओ। अच्छा अच्छा ये वाला बनाया आपने। सानू यू हैव गॉट योर टॉयज नाउ, यू आर हैप्पी। टीवी बंद कर दो, जब टीवी कोई देख नहीं आया। तो तुरे की सब्जी और रोटी बनाई थी आज। खाना वाना हो गया, बालों में ऑयलिंग की है, कल फास्ट है, संडे का लास्ट। किचन में आई थी अभी मैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ काकरोच ज्यादा होने लग गया है किचन में, तो मैंने हिट मंगाया था, पहले ही मंगा के रखा था, और मैं हिट डालने जा रही हूँ। ऐसे में क्या होता है ना, किचन में काम करने का मन नहीं करता है, कुछ अच्छा बनाने का मन नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन साफ करूंगी और उसकी शुरुआत होगी हिट से।